फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो हमने पहले ये चिड़िया वाला झूमर बनाया था। इसका पहले पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें बता दी है। देखिए ऊपर वाली जो हमने रिंग बनाई है क्रोशे से वो वाली भी दिखा दी है और चिड़िया को जॉइंट करना भी दिखा दिया है। चिड़िया का वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगा और ये सारा जॉइंट करना भी बता दिया है। सिर्फ इतना ही बाकी है। देखिए मैंने इस मोती से और इस फ्लावर से हमने डेकोरेट किया है और इस बटरफ्लाई को हमने लगाया है बाद में से नीडल की मदद से हमने लगाया है। देखिए यहाँ पर एक हमने बाकी रखा है तो वो भी मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी। और बीच में हमने एक रेनबो बनाया है तो रेनबो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो वो वाला हम यहाँ पर बीच में लगाएंगे। तो पहले पार्ट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और पहले पार्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पर मैं दे दूंगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वाला रेनबो बनाया है हमने, इसका भी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो वहां पर भी हमारा यूजर नेम राधे राधे क्रोचेट ही है। देखिए इस तरह का रेनबो है वो हम बीच में लगाएंगे और इस वाली रिंग को हमने बनाना इस वीडियो में बता दिया है और इस जगह पर हम बीच में यहाँ पर मोती लगा करके रेनबो को अटैच कर देंगे। तो चलो इस वाले झूमर में इसको लगा देते हैं। पहले हम ये वाला बटरफ्लाई लगा देंगे। देखिए इस बटरफ्लाई का वीडियो भी अलग से आपको मिल जाएगा और यहाँ पर एक लगाना बाकी है तो हम इसको नीडल की मदद से अटैच कर देंगे। ये वाला बटरफ्लाई हम इस चिड़िया को हमने जहाँ पर जॉइंट किया है सेम इसी जगह पर हम इसको भी इस तरह से यहाँ पर अटैच कर देंगे। देखिए नीडल में हमने धागा पिरो लिया है, आप वूल से अटैच करना चाहे तो वूल से भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चिड़िया को ज्वाइंट करें तब इसके साथ ही आप इसे भी यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा इस तरह से इसे आप इस रिंग को आप डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास जो कोई भी मटेरियल्स है रेडीमेड फ्लावर्स जो भी आप लगाना चाहते हैं वो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो इसे आप और पक्का कर लीजिए। तो देखिए हमने ये वाला बटरफ्लाई लगा दिया। अब जो ये वाला हमने मोती और फ्लावर के साथ लटकन बनाया है वो यहाँ पर बीच बीच में, देखिए दो चिड़िया के बीच में हमने एक लटकन बनाया है। तो आपके पास जो भी मटेरियल से इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये वाले मोती थे और फ्लावर थे तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिए। देखिए इसके बीच में हमने इस तरह का ये फ्लावर है, देखिए तो इस फ्लावर को हमने धागे की मदद से ही लगाया है। देखिए पहले हमने धागे में नॉट लगा दी है और फिर ये फ्लावर पिरो दिया और इसके बाद हम जितना भी आपको लंबा रखना है इतना इस मोती को डाल दीजिए। देखिए इस तरह के मोती है वैसे तो मैंने यहाँ पर 10 मोती लगाए हैं, आप चाहे इतना लंबा रखना चाहे इतना डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं लगा करके दिखाती हूँ। देखिए दोनों चिड़िया के सेंटर में हम लगा देंगे इसको इस तरह से यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर दो तीन बार नॉट लगा दीजिए ताकि ये पक्का हो जाए, वॉश करने पर भी खुल ना सके। इस तरह से इधर उधर ले जा करके नॉट लगा दीजिए यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर दो तीन बार नॉट लगा करके धागा काट दीजिए। तो देखिए हमने सारा कुछ डेकोरेट कर लिया है यहाँ पर और अब हमने जो ए वाली रिंग बनाई थी ऊपर वाली तब हमने इस धागे को यहाँ पर शुरू ही छोड़ा था, हमने काटा नहीं था इस धागे को, क्योंकि इसी धागे से हम इस रेनबो जो हमने बनाया है बीच में जो हम लगाने वाले हैं वो इसी धागे से लगाने वाले हैं, इसलिए हमने इस धागे को नहीं काटा था यहाँ पर ही शुरू रखा था। तो देखिए इस रिंग में से हम इसे नीचे की ओर निकाल देंगे बिल्कुल बीच में इस तरह से। और अब इस रेनबो को भी हम मोती के साथ लगाएंगे, इस वाइट मोती के साथ। देखिए इस तरह के मोती है तो इसको भी आप जितना भी लंबा रखना चाहते हैं इतने मोती आप धागे में डाल दीजिए, जितना भी आप नीचे रखना चाहते हैं इतना मोती डाल दीजिए। या तो आप धागे के साथ लगाएंगे, मोती आपके पास नहीं है तो आप धागे के साथ ही सिर्फ लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं मोती डाल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बीच में 19 मोती डाल दिए है, 19। देखिए इस तरह से आप इसे जितना लंबा रखना चाहते हैं इतने डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 19 रखे हैं क्योंकि इस रखने के बाद यहाँ पर बीच में देखिए सेंटर में इस चिड़िया के बीच में रेनबो दिखाई देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर
इसकी साइज के मोती रखे हैं। आप जो आप अगर आपके मोती बड़े हैं तो आप कम ही डाल सकते हैं, अगर आपके मोती छोटे हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल रेनबो के सेंटर में से नीडल को डालेंगे और यहाँ पर दो तीन बार इस तरह से नीडल की मदद से ऐसे कर लेंगे और फिर हम सारे मोती में वापस ऊपर तक चले जाएंगे। देखिए इस तरह से दो दो तीन तीन मोती लेकर के आप इस तरह से नीडल को निकालते जाइए और सारे मोती में से हम ऊपर तक वापस चले जाएंगे और फिर बाद में ऊपर जो हमारी ये छोटी वाली रिंग है, इस वाली रिंग, इसमें हम नॉट लगा करके धागा काट देंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके ऊपर तक चले जाइए ऐसे। दो दो या तीन तीन मोती ही लीजिए क्योंकि इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वूल हमारी ये जो है वो भी दो धागे हैं हमारे और वापस जाते हैं तो तीन धागे वो हो जाते हैं और मोती भी छोटा होता है तो इसमें से निकल नहीं पाएगा, इसलिए एक एक करके निकाल लीजिए। तो देखिए हमने सारे मोती में से वापस ऊपर तक हम वापस चले आए हैं, फिर बाद में हम फिर से यहाँ पर धागे में नॉट लगा देंगे, देखिए सॉरी रिंग में नॉट लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर भी हम इस तरह से पूरी रिंग में एक बार, हमारे पास धागा अगर लंबा है तो इस तरह से घुमा देंगे ताकि ये हमारा खुल ना जाए ऐसे। अब हम नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारा झूमर बन करके रेडी हो गया है और अब हम इस धागे को, देखिए आपके पास जो भी कलर की ऊन है वो इस तरह से मैंने दो ले लिए हैं, देखिए दो धागे इस तरह के बना लिए हैं और अब हम इसको चार में फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर पलने के साथ अटैच करने के लिए इस धागे को हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप इसकी चोटी बनाना चाहते हैं, हम नॉर्मल बालों में चोटी बनाते हैं, इस तरह की चोटी बना करके यहाँ पर इसको बनाएंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए अब हम इसको काट लेंगे इस तरह से, फिर बाद में दो दो करके इसकी नोट लगा देंगे यहाँ पर आखिरी में ऐसे। इस तरह से और अब मैं आपको ये पूरा झूमर दिखाती हूँ। तो देखिए ये वाला झूमर पूरा बन करके रेडी हो गया है, इस तरह का दिखता है देखिए। और इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।